तो सेकंड एक्सरसाइज 5.2 एपी सीरीज की चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकंड एक्सरसाइज, तो सेकंड एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, चलिए आपको बुक के अंदर दिखाते हैं जो आपके एनसीईआरटी की बुक दे रखी है। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स आपको एक बॉक्स दे रखा है, तो बॉक्स के अंदर ए डी एन और ए एन, ठीक है, ऐसे आपको वैल्यूज दे रखी हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के अंदर देखो ए एन मिसिंग है, सेकेंड पार्ट के अंदर डी मिस है, थर्ड पार्ट के अंदर ए मिस है और फोर्थ पार्ट में एन मिस है, इसी तरह फिफ्थ पार्ट में ए एन मिस है। तो जो पार्ट आपका मिस है तो उसी को निकालना है, उसी को मिसिंग पार्ट को हमने फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन में देखो ए डी एन और ए एन, इन सब से रिलेटेड हमारे पास एक क्वेश्चन, एक फॉर्मूला बनता है। तो दिस फॉर्मूला इज फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, सो फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला डियर हमारे पास होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। इसके फर्स्ट पार्ट पे अप्लाई करते हैं। फर्स्ट पार्ट में सबसे पहले आपको ए 7 है, बी डी जो है आपका डिफरेंस, डिफरेंस आपके पास 3 है, एन बेटा आपके पास 8 है और आपने ए एन को फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी। ए एन की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसको ऐसे लिख दो। ए की वैल्यू आपको 7 है तो पुट 7 हेयर, एन एन बेटा आपके पास 8 है, 8 माइनस वन, डी डी आपके पास 3 है, तो इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज 7, 8 माइनस वन इज 7 और ये आ जाएगा 3, 7 7 इंटू 3 कितना होगा, दिस इज 21, तो आंसर आ जाएगा आपका 28। तो फर्स्ट पार्ट का जो आपका आंसर है 28 आएगा। सिमिलरली इसका जो सेकंड पार्ट दे रखा है आपके पास, सेकंड पार्ट में हमारे पास ए दे रखा है -18, जो डिफरेंस है, डिफरेंस दे रखा है आपके पास, एक्चुअली ये नहीं गिवन डिफरेंस, इसको ऐसे रहने दो। एन आपको दे रखा है दिस इज 10 और जो ए एन है लास्ट टर्म दिस इज 0 गिवन टू यू। ठीक है, अब चलिए क्या पता करना है, डी पता करना है। फॉर्मूला तो ये लगाओगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, यही फॉर्मूला लगेगा। तो लगाते हैं ए की वैल्यू कितनी है, ए आपके पास -18 है, ठीक है, दिस इज -18। एन आपके पास कितना है, एन आपके पास 10 है, दिस इज 10, 10 माइनस वन, डिफरेंस आपने निकालना है। और ये जो ए एन है दिस इज 0, ए एन की वैल्यू 0 है। ये -18 इधर आके क्या हो जाएगा, +18 हो जाएगा, 10 माइनस वन इज 9 डी, ये डी निकाला है, 9 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा 18/9। जब आप कटिंग करेंगे, कटिंग करने पे आपके पास आंसर आएगा 2। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आपके पास आ रहा है 2। इसी का थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं, सीधा थर्ड पार्ट ऑफ दिस वन। तो थर्ड पार्ट में आपको क्या दे रखा है, तो इन द थर्ड पार्ट ए इज़ मिसिंग, ए आपके पास नहीं है, ए आपने निकालना है। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, डी, डी इज योर -3। उसके बाद जो है एन, नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास 18 है और ए एन जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म की वैल्यू आपके पास -5 है। तो चलिए ए एन के फॉर्म लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, यही फॉर्मूला लगेगा। तो इसी फॉर्मूले से कैलकुलेट करते हैं, सी हेयर। तो ए जो है आपके पास दिस इज, इसको पता है, ये पता नहीं है, ये हमारे पास एन, एन हमारे पास कितना है 18, 18 माइनस वन, डी डिफरेंस हमारे पास है -3 और ये ए एन, ए एन इज -5। बस आपको जो जो वैल्यूज यहाँ पे दी हैं उसमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसमें पुट कर दो। दिस इज -5, ए ऐसे ही रहेगा, 18 में से 1 माइनस करेंगे दिस इज 17, दिस इज -3, -5 ए, ये प्लस और माइनस, माइनस होगा, 17 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज 51, 17 इंटू 3 इज 51। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ए ऐसी रहेगा, ये -5 भी ऐसी है, ठीक है, ये -51 राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा, लेफ्ट साइड जाके ये कितना आ जाएगा, इसमें से ये माइनस कीजिए, दिस इज 46। तो आपके पास जो आंसर आ रहा है दिस इज 46। अब इसी का करते हैं फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में आपको क्या दे रखा है, फोर्थ पार्ट में ए दे रखा है स्टूडेंट्स आपको, दिस इज -18.9। उसके बाद आपके पास डी दे रखा है, डी इज योर 2.5, ओके, एन आपने निकालना है, एन गिवन नहीं है और जो लास्ट में ए एन दे रखा है दिस इज, ए एन इज 3.6। तो ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं, तो चलिए सॉल्व करेंगे यहाँ से। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इन टू डी, तो ए एन की वैल्यू आपके पास 3.6, ए की वैल्यू -18.9 प्लस एन, एन हमें निकालना है और डी, एन माइनस वन, डी डी आपको दे रखा है 2.5। तो देखिए ये माइनस में है, माइनस वाले टर्म इधर के प्लस हो जाएगा, दिस इज 3.6 प्लस 18.9,
तो राइट साइड में ये इक्वल टू ऐसे ही रहेगा, ये टर्म हम इधर शिफ्ट कर चुके हैं, एन माइनस वन ऐसे ही रहेगा आपका, ठीक है। और इसके साथ 2.5, इन दोनों को ऐड कीजिए, ऐड करने पे क्या मिलेगा, तो एडिशन कैसे करेंगे, 9.6 ऐसे आप साइड में ऐड करके भी दिखा सकते हो मैं आपको, ये कैसे ऐड करते हैं, 18.9, 9 को आप 90 लिख लो कन्वीनियंस के लिए, अच्छा रहेगा। ऐसे 3.6 को हम 3.60 लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे ऐड होते हैं, मतलब पॉइंट्स के बाद आप ऐसे जीरो लगा सकते हो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 9.6 ये हो जाएगा आपका 15, कैरी कर वन हेयर, 8.3 11 और 8.12 दिस इज 12 और यहाँ पे कैरी वन जाएगा, तो आपका हो जाएगा ये आ जाएगा 22.50, तो आपका बन जाएगा बच्चों 22.50 और ये एन माइनस वन और ये 2.5 है, इधर आगे मल्टीप्लाई में इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, ओके। इसको फिर 50 लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, ये आपका चला जाएगा। इसकी जब हम कटिंग करेंगे, कटिंग करने के बाद आपके पास क्या मिलेगा, तो लेट्स डू द कटिंग ऑफ दिस वन। तो ये जो है इसकी कटिंग करने में आपको 9 मिलेगा, तो 9 पे कट जाएगा, तो आपका एन माइनस वन किसके इक्वल आया, 9, सो यर एन माइनस वन इज़ 9, तो माइनस वन राइट साइड जगह प्लस हो जाएगा, तो एन की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी। सो दिस इज़ द फोर्थ पार्ट। अब देखिए इसका लास्ट पार्ट इसी क्वेश्चन का, तो फिफ्थ पार्ट के अंदर आपको जो ए है, दिस इज़ योर 3.5, ओके, डिफरेंस आपको 0 दे रखा है, एन आपको दे रखा है 105 और जो लास्ट टर्म है ये आपने फिर से निकालनी है। तो लगाइए फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए एन हमें पता करना है, ए एन की वैल्यू दिस इज योर 3.5 एंड एन इज 105 माइनस वन और डी आपका 0 है, ठीक है। तो 0 होने से बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि 0 इंटू समथिंग ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो ए एन जो निकल गया है दिस इज 3.5। तो इस एक्सरसाइज का 5.2 का फर्स्ट के पांच के पांचों पार्ट जो है आपके पूरे हो चुके हैं। चलिए अब देखते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में आपके क्वेश्चन, तो सेकंड पार्ट जो सेकंड क्वेश्चन जो है आपका एक्सरसाइज, सेकंड एक्सरसाइज का 5.2 एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन, ये एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें आपने 30th टर्म निकालनी है एपी सीरीज की, एपी सीरीज आपको दे रखी है 10, 7, 4 अप टू सोन, इसकी 30th टर्म निकालनी है और उसका आंसर इन चारों में से कोई होगा तो आपको करेक्ट ऑप्शन को टिक करना है। तो सी हियर द सॉल्यूशन, तो 30th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, 30th टर्म का फॉर्मूला था ए प्लस 29 डी, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, ए इज योर 10 प्लस 29 डी, डी की वैल्यू कितनी होगी, डी आप कैसे निकालोगे, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, तो जब 7 में से आप 10 को माइनस करोगे दिस इज योर -3, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस इज -3, तो पुट हियर -3। तो चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, 10 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 8, 3, 27, तो 2 कैरी ओवर हियर, 3, 2, 6, 8, 7 दिस इज -87, तो प्लस माइनस 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 करने पे आपके पास 77 आंसर आ रहा है, तो 77 इज सी ऑप्शन, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। इसी तरह इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं, सेकंड पार्ट में आपने कौन सा टर्म निकालनी है, 11th टर्म, ठीक है, 11th टर्म ऑफ ईपी, ये आपने चेक करना है कौन सी है, सीरीज दे रखी है आपको -3, हेयर इज -1/2 एंड हेयर इज 2 अप टू सोन, तो ये आपको सीरीज दे रखी है। चलो इन चारों ऑप्शन में से आपने देखना है कि इसके लिए कौन सी ऑप्शन ठीक रहेगी। तो 11th टर्म का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस 10 डी, ये होता है, तो ओके ए ए कितना बेटा आपका, ए इज योर -3 प्लस 10, डी की वैल्यू क्या, डी इन दोनों को माइनस करके आएगा, तो कीजिए माइनस सेकेंड टर्म, तो डी निकाल लेते हैं साइड में, डी क्या होता है सेकेंड टर्म ये रही, इसमें से माइनस करनी है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म इज योर 3 के नीचे आप 1 लिख सकते हैं फॉर कन्वीनियंस, ठीक है, ये 1/2 माइनस और ये -3 था तो ये माइनस भी आएगा, डी इज -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3/1 तो ये बन जाएगा आपका एलसीएम आएगा 2, दिस इज -1 + 6 तो आपका डिफरेंस आ जाएगा 5/2, तो यहाँ पे डिफरेंस पुट कर दीजिए 5/2, यहाँ पे कटिंग कर देंगे 2 किससे कटिंग हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये हो जाएगा -3, 5 × 5 दिस इज योर 25 प्लस माइनस माइनस सॉल्व करने में आपके पास 22 आएगा, तो 22 को ढूंढिए इसमें है या नहीं, तो आंसर बिल्कुल है, तो बी इज योर करेक्ट आंसर। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड की क्वेश्चन की स्टार्टिंग देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में ना आपने पता करना फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्स, फॉर एग्जांपल इसका जो थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है दिस इज 2, इसके बाद बना हुआ आपका एक बॉक्स, उसके बाद है 26। अब बॉक्स देखिए कौन सी टर्म है, बॉक्स आपका सेकंड टर्म है,
तो आपको कुछ नहीं, बस सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है। उसके लिए फॉर्मूला क्या लगाओगे, ए प्लस वन डी, ये फॉर्मूला लगेगा आपका। अब पहले डिफरेंस निकालना होगा। डिफरेंस कैसे निकलेगा, देखिए ये कौन सी टर्म है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड टर्म गिवन है उसी से निकल जाएगा आपका डी। थर्ड टर्म का फॉर्मूला था ए प्लस टू डी, तो थर्ड टर्म की वैल्यू आपके पास 26 है, दिस इज 26 ईयर। ए आपका कितना है, ए आपका फर्स्ट टर्म होता है, दिस इज टू प्लस टू डी, इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 24, टू इधर आके माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू टू डी, और डी कितना आ जाएगा आपका 12, ये टू इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो डी हमारे पास 12 आ चुका है। तो यहाँ पे पुट करेंगे, सेकेंड टर्म निकालनी थी, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला ए प्लस वन डी, तो ए आपके पास 2 है, 1 ऐसे, डी आपका कितना है 12, तो इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने का आपके पास 14 आएगा। तो फर्स्ट पार्ट इसका हो चुका है, तो चलिए सेकेंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हियर इज द सेकेंड पार्ट। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या है, हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है और थर्ड टर्म निकालनी है। तो फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म ये आपको निकालनी है, और निकलेंगे कैसे, देखिए फर्स्ट टर्म तो होगा आपका a, और थर्ड टर्म की बात करूँ ये होगा a प्लस टू डी, मतलब आपको a और d चाहिए है ना। तो a और d अब आपके कहाँ से निकलेंगे, तो आंसर है जो गिवन वैल्यूज़ है वहाँ से निकलेंगे। ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज a प्लस वन डी, ये होता है ना, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, a प्लस वन डी इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ गया, दिस इज योर 13th, ये 13 के इक्वल आ गया। सिमिलरली ये फोर्थ टर्म है, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस थ्री डी, ये 3d होगा, ये आपके पास एक कितना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला a प्लस थ्री डी, तो a की वैल्यू आपके पास कुछ नहीं है, 3d भी निकालना है, तो फोर्थ टर्म आपको 3d हुई है। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद आपके पास a और d आ जाएंगे, फिर हम फर्स्ट और ये थर्ड टर्म निकाल लेंगे। तो चलिए निकालेंगे, सो सी हियर, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो 13 इज इक्वल टू ए प्लस वन डी, एक इक्वेशन आपके पास ये है, और सेकंड आपके पास है डियर 3 इज इक्वल टू ए प्लस थ्री डी। चलो सॉल्व कर लो, माइनस कर देते हैं इनको, ये कट जाएगा, 13 में से 10 करेंगे, 13 में से 3 माइनस करेंगे 10। जब भी आप माइनस करेंगे तो हर चीज़ के निशान जो है चेंज कर देंगे हर टर्म के। यहाँ पर देखिए 3 है, ये माइनस 3 बन जाएगा, ये प्लस से माइनस ये हो जाएगा, ये प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस होता है माइनस, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे 2d, जो यहाँ पर मार्क लगा ये निशान, ये बड़ी टर्म का लगा, सी हियर बड़ी टर्म जो आपकी माइनस की है, तो d कितना आएगा 10/2, तो ये आपका आ जाएगा -5, आपका d आ चुका है। अब आपने a भी निकालना है, a कहाँ निकालेंगे, तो a निकालने की आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास ये इक्वेशन थी 3 इज इक्वल टू ए प्लस 3d, ये इक्वेशन आपके पास है, d की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, आपके पास ये आ जाएगा 3d इज योर -5, 3 ये हो जाएगा -18, -15, 3 × 5 इज -15, -15 को इधर निकल रहा है ये प्लस हो जाएगा, तो a आपके पास 18 आ जाएगा, a भी आ गया आपके पास, d भी आ चुका है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसकी, ये तो आ चुका है हमारे पास 18 फर्स्ट बॉक्स, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, थर्ड बॉक्स निकालना है मतलब थर्ड टर्म निकालनी है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 2d, a और d आपके पास है, a कितना है आपका 18, 2d, d कितना है आपके पास, d आपके पास है -5, तो ये हो जाएगा 18 माइनस 10, दिस इज 8, तो थर्ड टर्म आपके पास 8 आ चुकी है। तो इस तरह के बॉक्सेस के जो भी क्वेश्चन आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो। चलिए एक क्वेश्चन और करके बताते हैं आपका बॉक्स वाला, सी हियर, फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म, a इज 5, अगर आपके पास d होता तो सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म डायरेक्ट निकल जाती, पर आपके पास d नहीं है, चलिए उसको निकालते हैं d कैसे निकलेगा, ठीक है। तो d के लिए आप लोगों ने क्या करना है, तो फॉर कैलकुलेशन ऑफ d हमें क्या करना होगा, हमें ये कौन सी टर्म दी है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म भी दे रखी है, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 3d, तो दिस इज 9 × 18 19 by 2 इज इक्वल टू a प्लस 3d, a आपके पास कितना है 5, तो यहाँ पे आप a की वैल्यू 5 रख सकते हैं, दिस इज 5, ओके, इधर आके ये माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 19/2 -5 इज इक्वल टू 3d, तो इसको सॉल्व करेंगे ये बन जाएगा 10, ये बन जाएगा 5 × 10 19 − 10/2 इज इक्वल टू 3d, ये आपका आ जाएगा 9/2 इज इक्वल टू 3d, ये 3 से ऐसे कट जाएगा, कटिंग कर सकते हैं, तो d आपका आ गया बेटा 3/2, तो d की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 3/2, ठीक है। तो ऐसे इसकी कटिंग कर सकते हैं, अगर या फिर आप 3 ऐसे नीचे भी लेके आते तब भी आप ऐसे ही आता, ठीक है।
आपके पास डी भी आ चुका है, ए भी आ चुका है। चलिए सेकंड टर्म निकालते हैं। सेकंड टर्म चाहिए थी आपको, क्या फॉर्मूला होगा? ए प्लस वन डी। ए आपके पास 5 है, डी कितना आपका 3/2। ओके एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने पे यहाँ पे 2 आएगा। सो दिस इज़ 5 × 10 प्लस 1 × 3 = 3, दिस इज़ 13/2। चलिए थर्ड टर्म भी निकाल लेते हैं। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा? ये थर्ड बॉक्स है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड टर्म का फॉर्मूला ए प्लस 2d। ए आपके पास कितना है 5, 2। डी कितना है आपके पास? डी आपका है 3/2, ये कट जाएगा, दिस इज 8। तो ये भी आपके पास आ चुका है। तो ये वाला बॉक्स आएगा 13/2 और ये वाला बॉक्स आएगा 8। तो इस तरह के जितने भी बॉक्सेस वाले क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं बॉक्स वाले क्वेश्चन का। सी हियर द पार्ट नंबर 4। तो फोर्थ पार्ट में आपको क्या दे रखा है? दिस इज़ -4, देन बॉक्स, देन बॉक्स, देन बॉक्स एंड देन बॉक्स। चार बॉक्सेस लगातार दे रखे हैं, लास्ट वन इज 6। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट दे रखा है और ये आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स टर्म दे रखी है। सिक्स टर्म आपके पास दे रखी है ए प्लस 5d, है ना। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर, फाइव एंड सिक्स, सिक्स टर्म दे रखी है। तो इसकी वैल्यू कितनी है? सिक्स टर्म की वैल्यू 6 है। ए पुट कर दो इसमें, ए की वैल्यू आ जाएगी -4 प्लस 5 × d इज 6। 5d ऐसे ही है, ये माइनस लेके प्लस हो जाएगा, 6 + 4 हो जाएंगे आपके 10। तो d कितना आ जाएगा आपके पास? 2। d की वैल्यू 2 आ चुकी है। अगर d की वैल्यू 2 आ चुकी है, a की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है क्वेश्चन के अंदर, a है -4, तो अभी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं रहा। सेकेंड टर्म निकाल लेंगे। सेकेंड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 1d। तो a आपके पास है -4 और d देखते हैं, d कितना है आपके पास? 2। तो दिस इज़ -2। इसी के साथ थर्ड टर्म निकाल लेते हैं। थर्ड टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस 2d। तो a आपके पास है फिर सिर्फ -4 और ये 2। d की वैल्यू कितनी है? d की वैल्यू 2 है। तो +4 - 4 आंसर आएगा 0। अभी निकालते हैं फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म का फॉर्मूला, ये फोर्थ वाला बॉक्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ टर्म का फॉर्मूला a प्लस 3d। तो a बेटा लोग आपके पास कितना है? a आपके पास है, दिस इज़ अगेन -4 प्लस 3 और d। d कितना आपके पास? d आपके पास 2 है। तो ये बन जाएगा 6, 3 to the 6 प्लस माइनस माइनस। तो 6 में से आप 4 को माइनस करोगे, आपके पास आंसर 2 आएगा। दिस इज़ फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला a प्लस 4d। a आपके पास कितना है? a आपके पास फिर से है -4, 4 × d। व्हाट इज़ योर d? d इज़ 2 हेयर, दिस इज़ -4 प्लस 8, आंसर इज़ 4। तो ये आपके चारों टर्म्स आ चुकी हैं। तो यहाँ पर देखिए, दिस इज़ a प्लस 4d। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला a प्लस 4d, a इज़ योर 4, 4 ऐसे, d की वैल्यू 2, 4 to the 8। तो 4 8 में से माइनस सॉल्व करने के पे 4 आएगा। तो इस तरह से आप सारे टर्म्स को कैलकुलेट कर सकते हो। ये बॉक्स वाला हमारा फोर्थ पार्ट हो चुका है। अब चलिए इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द बॉक्स, फिफ्थ पार्ट। ये फिफ्थ पार्ट की ओर बढ़ेंगे बॉक्स वाले का। ये जो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिक्स बॉक्सेस आपको दे रखे हैं ना, सिक्स पार्ट्स दे रखे हैं, जिसमें से चार बॉक्सेस हैं आपके पास। ये बॉक्सेस तभी निकलेंगे जब तक आपके पास ए और डी नहीं होगा। तो ए और डी कहाँ से निकालेंगे? फिर से वही टर्म जो गिवन है वहीं से निकलेगा ए और डी। तो ये सेकंड टर्म गिवन है, सेकंड टर्म का फॉर्मूला था ए प्लस 1d, दिस इज योर 38। और ये कौन सी टर्म है? सिक्स टर्म। सिक्स टर्म का फॉर्मूला था ए प्लस 5d, दिस इज -22। अब दोनों को माइनस करते हैं, ये इसका भी निशान चेंज कर दीजिए, इसका भी निशान चेंज कर दीजिए, इसका भी जो मार्क है चेंज कर दो। तो प्लस माइनस माइनस, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आएगा, जो मार्क आएगा बड़ी टर्म, बड़ी टर्म आपकी ये है यहाँ पर, तो बड़ी टर्म का मार्क आएगा। ये प्लस 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 हो जाएंगे 60, 4 इधर के डिवाइड हो जाएगा। तो आपका d की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? योर d इज़ -15, ठीक है, d इज़ -15। ये कटिंग करने पे 15 आएगा, ये d माइनस इधर शिफ्ट कर देंगे, d आपका -15 आ चुका है। अब निकालेंगे a। इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन पिक कर लो, वहाँ से आपका ये आ जाएगा a प्लस 1d। मैंने ये वाली पिक की, a प्लस 1d इज़ 38। तो a ऐसे है, d की वैल्यू कितनी आपके पास? -15 पुट कीजिए, ये -15 उधर के प्लस हो जाएगा, 38 में 15 ऐड करने पे 53। तो फर्स्ट बॉक्स तो आपके पास आ ही चुका है, दिस इज़ 53। अब निकालनी है थर्ड टर्म। थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 2d। a आपके पास कितना है? दिस इज़ योर 53 प्लस 2d इज़ योर -15। तो ये आ जाएगा 15 माइनस 30 प्लस माइनस माइनस, ये कितना आ जाएगा बेटा? -15। अब निकालते हैं फोर्थ टर्म फटाफट। फोर्थ टर्म की वैल्यू क्या होगी? सीधा फोर्थ टर्म, योर फोर्थ टर्म इज
ए प्लस 3d, ए आपका कितना है, ए इज योर 53, 3d इज माइनस 15, तो ये प्लस माइनस माइनस 45, तो इसमें से करेंगे दिस इज़ योर 8, ठीक है। सिमिलरली लास्ट जो है ये वाला बॉक्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड भी हो चुका है हमारे पास, तो ये थर्ड आ गया, ये फोर्थ वाला भी आ गया। अब ये फिफ्थ फिफ्थ बॉक्स को देखते हैं, फिफ्थ टर्म दिस इज़ ए प्लस 4d, ए आपके पास कितना है 53, 4d आपके पास कितना है, डी इज़ योर माइनस 15, तो ये आ जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस, ये आपके पास आ जाए 60, और ये कितना आंसर आएगा, दिस इज़ माइनस 7, तो प्लस माइनस 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 7 आएगा। तो बॉक्सेस को लिख लेते हैं, ये 53 आ चुका है, और ये हमने थर्ड वाला पुट किया ये आ जाएगा माइनस 15, और ये फोर्थ वाला आ जाएगा आपका 8, देन लास्ट वन इज़ माइनस 7। तो ये आपका बॉक्सेस के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 से।